क्या 2 टैबलेट अनवांटेड 72 या फिर आई पिल की लेने से हमें एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिल जाता है, यानी कि हम प्रेगनेंसी से अच्छे से सेफ हो जाते हैं, हमें अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं लगती है। इस तरह के भी आप लोगों के सवाल होते हैं आई पिल या फिर अनवांटेड 72 वाली वीडियोज़ में। हालांकि कई वहाँ पे सवाल आते हैं, सभी का रिप्लाई मैं नहीं दे पाती क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। आप लोग मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे मैं लाइव आती हूँ, लाइव आप लोगों के सवालों के जवाब देती हूँ। तो वहाँ पे आप लोग मुझसे सवाल कर सकते हैं और तुरंत आप लोगों को जवाब मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे एक जैसे सवालों का जवाब देना पॉसिबल नहीं हो पाता है। और वैसे भी जो सवाल आप लोगों के होते हैं, कई बार उस पर वीडियो होती है ऑलरेडी चैनल पे, तो आप लोग सर्च कीजिए मेरे नाम से, मेरे चैनल के नाम से, तो आपको वीडियो मिल जाएगी। और अगर आपको नहीं मिलती है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी उसका रिप्लाई देने की या फिर उस पर वीडियो बनाने की। तो चलिए टॉपिक के ऊपर बात कर लेते हैं कि हम अगर 2 अनवांटेड 72 इकट्ठा ले लेते हैं तो हमें इससे एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिलता है क्या? इसका आंसर है जी नहीं, क्योंकि जितनी आपकी बॉडी को नीड होगी हाँ उतना ही आपके लिए इनफ है। यानी कि आप ये सोच के ले लेंगे कि हम प्रेगनेंसी से अच्छे से बच जाएंगे और हम 2 ले लेते हैं, तो इससे आपको उल्टा साइड इफेक्ट ज़्यादा होंगे, है ना, क्योंकि काफ़ी हैवी डोज होती है और इससे आपको साइड इफेक्ट ज़्यादा हो सकते हैं। आपको वॉमिटिंग होना या फिर चक्कर आना या फिर आपको उल्टी होना और या फिर आपको जो ब्लीडिंग है विड्रॉल ब्लीडिंग जिसे हम बोलते हैं, वो बीच बीच में होते रहना, स्पॉटिंग हो रही है फिर कुछ दिन रुक रही है फिर हो रही है, या फिर पीरियड में कई बार हैवी ब्लीडिंग होना, या फिर पीरियड बहुत लेट में आना, 8 हफ्ते में आना, कई बार 6 हफ्ते में आना, इस तरीके का हो सकता है। ये इरेगुलरिटीज आपको हो सकती हैं क्योंकि आपने हैवी डोज, एक तो वैसे ही अनवांटेड 72 और आईपिल होती हैं, लेकिन आपने 2 2 इकट्ठी ले ली हैं, तो आपको जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो बढ़ सकते हैं। तो 2 टैबलेट लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आप ये सोच के ले रहे हैं कि हम जो है अनवांटेड प्रेगनेंसी से बच जाएंगे। तो देखिए, इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि जब आप रिलेशन बनाते हैं तो 24 घंटे के अंदर अंदर ले लेंगे, तो आपको ये अच्छे से प्रोटेक्ट करेगी, अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं होने देगी। अगर आप लेट करेंगे, यानी कि आपने 60 घंटे में लिया, 70 घंटे में लिया, 72 घंटे में लिया, या फिर कई बार आपने 3 दिन के बाद लिया, यानी कि 72 घंटे के बाद लिया है ना आपने, तो यहाँ पे ये जो है आपको प्रेगनेंसी से नहीं बचाएगी और इसके फेलियर रेट बढ़ जाएंगे। यानी कि आप 3 दिन के अंदर अंदर नहीं लेते, उसके बाद लेते हैं, 4थे दिन ले लेते हैं, है ना, तो यहाँ पे इसके फेलियर रेट बढ़ जाते हैं। और कई बार जो है महिलाएं इसको लेने के बाद भी रिलेशन बनाती हैं, जैसे ले लिया फिर दूसरे दिन भी रिलेशन बना रही हैं, तीसरे दिन भी बना रही हैं, तो इसके फेलियर रेट यहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपका अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो जाता है, अनप्लैंड सेक्स हो जाता है, प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं, तो 24 घंटे के अंदर अंदर ही इसको ले लेना ज़्यादा सही रहता है। ये तभी आपको अच्छे से प्रोटेक्ट करेगा। अगर आप लेट जितना करेंगे तो इसके फेलियर रेट बढ़ जाएंगे। तो यही चीज आपको ध्यान रखना है, बस इसमें ज्यादा कुछ आपको नहीं करना है। लेकिन अनवांटेड 72 आईपिल जैसे कि हाई डोज होती हैं, तो आपको हर बार नहीं लेना है कि आपने रिलेशन बना दिया और हर बार उसको ले लिया, तो ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि आगे चल के ये आपको दिक्कत पैदा कर सकता है। आपके हार्मोन काफ़ी डिसबैलेंस हो जाते हैं, आपके पीरियड खुल के नहीं आते, कई बार उनमें हैवी ब्लीडिंग होती है, कई बार पेन भी होती है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दूसरा, अगर आप मैरिड हैं तो आप जो है 21 दिन वाली टैबलेट ले सकते हैं, अनवांटेड 21 डेज वाली टैबलेट ले सकते हैं, वो इतनी हार्मफुल नहीं होती है, उनका इतना साइड इफेक्ट भी नहीं होता है। हर दिन एक एक टैबलेट आपको लेनी होती है, इस पर भी मेरी वीडियो आ चुकी है, आपको अगर देखनी है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, या फिर आप सर्च भी कर सकते हैं। तो कैसे लेना है, क्या लेना है, उसमें मैंने सारा डिटेल में बताया हुआ है, तो वो आप लेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आप मैरिड हैं और आप कंडोम का उपयोग नहीं करना चाहते तो वो आपके लिए सही रहता है। तो उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे। इसी तरह के हेल्पफुल वीडियो आगे भी देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी अपने सवाल कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मैं बीच बीच में लाइव आते रहती हूँ और आपको पहले ही मैं जो है पोस्ट कर देती हूँ इंस्टाग्राम में कि मैं कब लाइव आने वाली हूँ, तो आप उस दिन मेरे साथ जुड़ के अपने सवाल कर सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।